मेरा ये सौभाग्य है कि मैं श्री राम की और श्री कृष्ण की पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। ये अमर शहीद बंधु सिंह जी की धरती को मैं नमन करता हूं और मैं पंडित बिस्मिल जी की शहादत को याद करते हुए इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। हम जानते हैं कि जब हम गोरखपुर को या गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि को याद करें तो हम यह भी याद करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने वैराग्य जीवन और तपस्वी जीवन के तरफ सच्चाई की खोज में जब वो निकले थे तो यही नदी तट पर रोहिण के उन्होंने अपना राष्ट्रीय परिधान छोड़ते हुए एक वैराग्य के साथ सच्चाई की खोज में निकले थे। तो उसकी भी पवित्र भूमि गोरखपुर है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हम सब नहीं भूल सकते कि आजादी की लड़ाई में जो चौरी चौरा का जो महत्व है, जो स्थान है, उसका भी संबंध गोरखपुर के क्रांतिकारी भूमि से रहा है। इसलिए ये धर्म की भूमि, ये तपस्या की भूमि, ये शांति की भूमि, ये क्रांति की भूमि, ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं और आप सबसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता हूं। मित्रों, मैं जब सामने का दृश्य देख रहा था तो मेरे मन में सवाल उठ रहा था। एक सवाल यह उठ रहा था कि हम तो सम्मेलन में आए थे,